भारत में एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और जब से गुजरात हाईकोर्ट ने देश के कट्टर ईमानदार नेता केजरीवाल पर जुर्माना लगाते हुए तल्ख टिप्पणी की है, तब से केजरीवाल साहब राजनीतिक बौखलाहट के शिकार हो गए हैं। अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि अब करें तो करें क्या और बोले तो बोले क्या। इसीलिए अब वो प्रेसवार्ता कर संविधान और अदालत पर निष्ठा दिखाने का ढोंग देखने वाले केजरीवाल अब न्यायालय को ही कटघरे में खड़ा करने लगे। मोदी के खिलाफ कोर्ट में हारने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनकी बातों से राजनीतिक हताशा साफ छलक रही थी। क्या कुछ कहा केजरीवाल ने अपनी प्रेसवार्ता में और कैसे आम आदमी पार्टी को पड़ गए लेने के देने, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल पीएम मोदी की डिग्री दिखाने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट का कल ऑर्डर आया कि देश के लोग प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। इससे पूरा देश स्तब्ध है क्योंकि हम जनतंत्र में रहते हैं, यहाँ प्रश्न पूछने और जानकारी मांगने की आजादी है। किसी का कम पढ़ा लिखा होना कोई गुनाह नहीं है, किसी का अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। हमारे देश में इतनी गरीबी है, अपने घर की परिस्थितियों की वजह से बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते। आगे सीएम ने बताया कि उन्होंने पीएम की डिग्री की जानकारी क्यों मांगी। केजरीवाल ने कहा कि हमारे देश में आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, आज लोगों में बहुत बेचैनी है। उन्होंने कहा जब हम देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे बयान आते हैं जो देश को विचलित कर देते हैं। जैसे एक उनका बयान आया कि नाली में से जो गैस निकलती है उस गैस से चाय बनाई जा सकती है। कोई भी जानकार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इस किस्म की बात नहीं करेगा। तो देखा अपने कोर्ट के फैसले के बाद कैसे केजरीवाल बेचैन नजर आ रहे हैं। मोदी के खिलाफ पर्सनल टिप्पणी करने के मामले में उन्हें कोर्ट से एक्सपोज कर दिया है। केजरीवाल को समझना होगा कि वो जिस पीएम मोदी की पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठा रहे हैं, वो पीएम आज पूरी दुनिया में टंका बजा रहे हैं। अपने ज्ञान और सूझबूझ से ही पीएम मोदी ने भारत का कद दुनिया में बढ़ाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति भी आज पीएम मोदी से मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं। वहीं केजरीवाल पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए निशाना साधा। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह से विक्षिप्त हो गए हैं, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, निम्नता पर आ गए हैं और कोर्ट से फटकार भी खा रहे हैं। उन्होंने जिस तरह की भाषा शैली और भाव भंगिमा का इस्तेमाल किया है वो निम्नतम स्तर है। केजरीवाल जी को समझना होगा कि देश में भ्रामकता की राजनीति को नहीं फैलाना चाहिए। राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, विचारधारा भी अलग हो सकती है, लेकिन आज के प्रतिस्पर्धा वाली राजनीति के दौर में केजरीवाल साहब को जनता के बीच जनता की बेहतरी का ब्लूप्रिंट लेकर जाना चाहिए, ना कि निम्न स्तर की राजनीति कर देश की संवैधानिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा और छवि को धूमिल करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।